ये देखिए साथियों, रोड की कंडीशन क्या है। हाँ ये देखिए, रोड तो कहीं है ही नहीं। बस भगवान ठीक ठाक से हमको हम सबको पार करवा दे, किसी को कोई नुकसान ना हो। रोड पहाड़ पूरा जो है ना रोड में आ गया है बह के। रास्ता किधर से किधर से? पीछे ब्रिज आया ना बड़े वाला। हाँ हाँ, बड़े वाले ब्रिज से राइट को क्या आया मैत्रा में। अच्छा, वो साइड से रोड का जा, सामने गाड़ियां जा रही हैं। अच्छा, उससे जाना पड़ेगा। वो रास्ता ठीक है? वो तो ठीक है, आगे का पता नहीं है। वो भी तो खड़ी हो रखी हो। कौन? आगे वो खींच ले गाड़ी का भी। ए, नहीं निकलती, आ जा रही हूं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। इस समय सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग हैं जम्मू में। अभी जम्मू से हम आगे का सफर तय कर रहे हैं। मौसम खराब है, ये देखिए बारिश हो रही हल्की हल्की। देखिए हमारे लिए तो ये सफ़र इस समय करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी हम कर रहे हैं। लेकिन आप मत करिएगा ऐसा, जब तक रास्ता पूरा क्लियर ना हो, मौसम बिल्कुल ठीक ना हो, तब तक आप यहाँ मत आइएगा। तो हम भगवान से मनाएंगे कि मौसम अच्छा रहे और हमारा सफ़र अच्छे से बीते। आगे का जैसा भी हाल होगा मैं आपको बताती और दिखाती चलूँगी। चाय की दुकानें खुल गई, चाय नाश्ता ये सब तो मिल रहा है। बेचारे अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रुक करके चाय पिए। सबको ये लगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम ये रास्ते को क्रॉस कर लें। देखें साथियों, रास्ता तो बहुत मुश्किल है, मौसम भी खराब है और जाना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो हम रुक भी जाते, लेकिन वहाँ तक पहुँचना टाइम से हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या करें, सफर करना ही पड़ेगा। ये देखिए रास्ता, रास्ते रोड कैसे बन तैयार हो रही है। ये देखिए ट्रैफिक ऐसा रखा है, आना जाना लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर चाय पानी नाश्ते के लिए लोग रुक रहे हैं। लेकिन हम कहीं रुकेंगे नहीं, हम सीधा ही चलेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे कि अपनी जगह पर सुरक्षित पहुँच जाए और समय से पहुंच जाएं। ये देखिए बादल कितने रोड में आ रखे हैं, बादल भी पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से, तार पे पक्षी बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। सामने एक और टनल आ गई है, छोटी थी लेकिन सुरक्षित थी। अब हम इससे भी बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए रोड है, नदी है, पहाड़ है, बारिश है, ठंड है, नीचे गिरे हुए पत्थर हैं। ये देखो और हम जैसे मुसाफिर हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर गिर रखे ऊपर से, भगवान ना करे किसी की गाड़ी के ऊपर आएंगे। वही तो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो गिर रहे पत्थर, देखा लगातार छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। ये देखिए लोग सरवाइव तो करते ही, संघर्ष करते हैं, जीवन आसान नहीं है। पहाड़ों में या कहीं पर भी प्रकृति के साथ तालमेल मिलाना ही पड़ता है।
प्रकृति अपने किसी भी रूप में हो उसका सामना करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए लोग जो जिन्हें जहाँ जाना है जो काम है वो कर ही रहे हैं सब लोग। साथियों ये देखिए अभी अभी गिरा है ये, समझे, तेजी से निकाल लो, तेजी से निकालो, अभी अभी गिरा है ये, पूरा धूल उड़ रही है। जय हो भगवान, हे राम, ये अभी का है ना, इस गाड़ी के आगे का ही गिरा हुआ है। अभी आपने पीछे देखा ना, ये उसी समय का गिरा हुआ है, मतलब हमारी हमसे पहले एक गाड़ी थी और उसके पीछे हम थे, इसी बीच में वो गिर गया। बस यही सबसे खतरनाक होता है, कब गिरेगा कुछ पता नहीं, और कितने बड़े बड़े पत्थर थे। शुक्र है ईश्वर का, भगवान का शुक्र है कि कोई किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी दाएं बाएं आगे पीछे खड़ी थी और वो जो मलबा है वो रोड में पड़ा हुआ था। भगवान से बनाइए साथियों, जितने लोग हैं सब सुरक्षित पहुंच जाएं। रास्ता किधर से, किधर से पीछे ब्रिज आया ना बड़े वाला, हाँ हाँ बड़े वाले ब्रिज से राइट को क्या आया मैत्रा में, और जो उस पानी साइड से रोड का जा, सामने गाड़ी जा रही है। अच्छा उससे जाना पड़ेगा, वो रास्ता ठीक है, वो तो ठीक है, आगे का पता नहीं है। वो भी तो खड़ी हो रखी हो, कौन आगे वो खींच ले थोड़ा गाड़ी का भी। ए, नहीं निकलती, आ जा रहा हूं मैं। साथियों यहाँ रास्ता बंद कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि कंडीशन ये है, और हमें अब रास्ता चेंज करके जाना होगा। ये देखिए हम लौट रहे हैं, इससे मतलब पत्थर तो गिरे होंगे ना, रास्ते में पत्थर गिर रखे शायद। मंदिर की तरफ कहाँ से बोल रहे थे वो लौट, वो पुल सर जो बाहर जा रहे थे ना वो। अच्छा अच्छा ये देखिए ट्रक वाला भाई कहाँ जा रहा है, इसको तो मोड़ना भी मुश्किल होगा वहां से। साथियों अब हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, वो रास्ता तो खराब है लेकिन हमारे फौजी भाइयों ने कहा कि अब आप इस रास्ते से निकलिए, देखते हैं ये कहाँ तक ठीक है और आगे का सफर हमारा कहाँ तक होता है। छोटे छोटे रोड हैं, टूटी हुई है, ये देखिए रास्ता क्लियर करते हुए। हाँ भगवान, अरे वो राम बन, ये देखिए कश्मीरी लोगों का लाइफस्टाइल इस मौसम में, इतने खराब मौसम में। हमने कहाँ को जाना, श्रीनगर जाने के, लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं ना, ये रामबन की तरफ निकल गए हम लोग, यहाँ तो रहे लोग। ये देखिए ये ऊपर देखिए, वो ऊपर रामबन, ये झूला ब्रिज है, साथियों ये रहा झूला ब्रिज। झूला सच में झूला है, इस ब्रिज में आज हम लोग पहली बार ही ट्रेवल कर रहे हैं।
नहीं रुके, लोग अपना अपना काम कर ही रहे हैं, है ना। अगर काम नहीं करेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा कैसे, चलेगा कैसे। ये रामबन का मार्केट है, ये देखिए मार्केट खुला है, सब्जी वगैरह की दुकानें जो डेली जरूरत की चीजें होती हैं वो खुली हुई हैं। ये देखें, ये देखिए, ये देखिए साथियों, ये क्या हालत है रोड की। पत्थर तो आपको हर जगह मिल रहे हैं, हर जगह दिखा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ जब है ही ये इस समय यहाँ पर ऐसा ही है तो यही दिखाना पड़ेगा। आप लोग भी देखें और कितना मुश्किल है ये सफर। एक बार फिर हम NH 44 के रास्ते पर हैं, जो रामबन और बनिहाल के बीच का है, और ये जम्मू से श्रीनगर कश्मीर मतलब जाने का सबसे कठिन रास्ता है, सबसे खतरनाक और दुर्गम रास्ता है। ये देखिए NH 44, यहाँ पर भी लोग अभी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। ऊपर ये देखिए बंदर बेचारे, देखिए घना कोहरा है, कोहरा बढ़ता ही जा रहा है। बस भगवान भरोसे चल रहे हैं। मानना पड़ेगा यहाँ के लोगों को, खास करके वो जो ये रोड वगैरह की व्यवस्था करते हैं ना, इनका रख रखाव भाई मानना पड़ेगा, उनको तो दिल से सैल्यूट है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। भाई लोग चाय वाय की व्यवस्था करके रखे हैं, अगर किसी को चाय पीनी हो तो पी सकते हैं। अच्छा वीडियो पता नहीं कैसी बन रही होगी, क्योंकि गाड़ी का ये खिड़कियाँ तो खोल नहीं सकते और बाहर बारिश हो रही है, ठंडा बहुत है। तो अब जैसी भी वीडियो बनेगी वो मैं वैसे ही आपको भेज दूंगी, आप खुद समझ जाना कि कैसा है यहाँ पर। ये देखें, ये देखिए साथियों, पानी का झरना, सफर जो है ना रूह कपा देगा, अंदर तक हिला दे रहा है ये सफर। जब सुरक्षित पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर तब याद करेंगे, तब हो सकता है कुछ अच्छा भी लगे, सोच के कि हमने इतना कठिन सफर ऐसे तय किया है। लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं, अभी तो भगवान का नाम ही चल रहा है जमान पे। ये देखिए एक टनल, ये भी बन रही है, कब तक बनेगी पता नहीं, ये बन रही, काम तो चल रहा है, रोड को सही करने का काम चल रहा है, लेकिन वर्तमान में स्थिति खराब है, और खास करके जब बारिश होने लगती है तब तो यहाँ बड़ा मुश्किल होता है। आप देख रहे होंगे कैसे थिरक रही हूँ मैं, ये देखिए ये भी मानना पड़ेगा, इनको भी सैल्यूट है। ये प्रभु सबको सुरक्षित पहुंचा जहां जो जाना चाहता है उसके। अब एक टनल और,
ये साथियों ये खूनी नाले के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे, पूरी की पूरी गाड़ियां यहाँ गिर जाती थी, तो इसको खूनी नाला कहा जाता है। अब इसके सामने ये टनल बन गई है और वो रास्ते को खूनी नाले को पीछे कर साइड में करके रोड बनाई गई है। इस खूनी नाले के उधर से मैंने भी सफर किया है, इस रोड से मैंने भी, तब खूनी नाले के ऊपर से तो जाते थे ना साइड से, वो सफर मैंने भी किया है। बहुत खतरनाक और बहुत डरावना सफर था वो हमारा, लेकिन अब सेफ हो गया है। रोड में से पत्थर उठाने का काम, बनाने का काम शुरू हो गया है। शुरू क्या हो गया, चलता ही रहता है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा बारिश कम हो गई है, इसलिए जो है काम फिर से शुरू हो गया। तेजी से ले जाना, हाँ वो ट्रक निकल जाए तो, क्योंकि उधर से पत्थर गिरने लग गए हैं, ये इधर से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं, तो ये साथ में ऊपर हुआ है ना, ट्रक को निकल देना है। इधर से गिर रहे हैं पत्थर, ये देखो ये रास्ता, सफर हमारा आसान नहीं है, आसान नहीं है। हाँ ये हो गया कि बारिश बंद हो गई है, अब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, जैसे पहले तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो अब बारिश बंद हो गई है, तो ये बड़ी राहत है। इस बात से बड़ी राहत है कि बारिश बंद है। पत्थर गिर रहे हैं, ये भगवान इधर भी गिर रहे हैं पत्थर, सब जगह पत्थर गिर रहे हैं। इधर किनारे लगाओ, किनारे किनारे लगा लो, तेजी से ले चलो, पूरे पत्थर, ओ माँ बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, फटाफट फटाफट, ये प्रभु ये देखो, ये देखो, और हमसे आगे भी देखना पड़ेगा, आगे भी बड़ा खतरा है। थैंक गॉड निकल गए, ओह माय गॉड, हमारे सामने ही पूरा पत्थर गिर गए, पूरा ऊपर से पहाड़ गिर रहा है, थैंक गॉड, ओह माय गॉड, बहुत खतरा था। साथियों भगवान हमारे पीछे जितने भी लोग हैं ना, सब सुरक्षित रहे, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और हम भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ये देखिए बहुत तेजी से हमने गाड़ी बढ़ाई है और पत्थर गिर रहा था ऊपर से, आगे ऐसा है, इधर भी ऐसे ही है। हाँ ये बहुत, ये देखिए यहाँ गिरे हैं पत्थर, इस वजह से रोड जो है ना ब्लॉक कर दी थी उन लोगों ने, ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर, और अभी क्या हैं ये, तभी तो रोड, ये देख लो, ये देखिए, ओहो अभी भी गिर रहा है,
बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये भगवान, ये देखो, ये देखिए साथी, सामने लोग देखना पड़ेगा। क्योंकि बारिश शुरू हो गई ना, इसलिए अब हम लोग ये जा रहे हैं। साथियों, ये जो जहां जहां जाम लग रहा है ना गाड़ियां, ये देखिए बीच बीच में रुकी हुई हैं, तो वहां पे पत्थर गिरा हुआ है। पहले उस रोड को साफ कर रहे हैं, फिर आने जाने के लिए खोल रहे हैं। तो बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, केवल वो है, क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर है। तो ये है कंडीशन, बहुत खराब कंडीशन है, मौसम भी खराब है और कंडीशन भी खराब है। आधे घंटे से ज़्यादा हमें टाइम हो गया है, क्योंकि आगे जो है ना रोड मलबा गिरा हुआ है, तो अभी वो ट्रकों के द्वारा उनको बाहर निकाल करके बाहर फेंका जा रहा है। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमें यहाँ पर रुके हुए, बारिश भी हो रही है। अभी देखते हैं कब तक ये जाम खुलता है और कब तक रोड क्लियर होती है। साथियों, वो रोड ब्लॉक हो गई है, इसलिए अब हम फिर एक बार फिर से हम अपना रास्ता बदल रहे हैं और दूसरे रास्ते से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए मलबा ज़्यादा ही गिर रखा है वहाँ पर, ट्रक के ट्रक जो है उसको उठा रहे हैं, लेकिन अभी उसको लगेगा। तो जितने भी हम लोग छोटी गाड़ी वाले हैं, कार वाले हैं, सब अपना रास्ता बदल रहे हैं। ये देखिए मुड़ गए हम सब। ये देखिए अच्छा बताओ, हमें ना आगे का रास्ता पता नहीं कि ये लोग मुड़ कहाँ रहे हैं लेकिन जहां सब जाएंगे वहां हम भी चल देंगे। हमें तो यही वाला मेन रास्ता पता था, नीचे वाला रास्ता हमें नहीं पता है। हमने सोचा जैसे सब जा रहे हैं वैसे हम भी चलेंगे। ये देखिए सब वहीं जा रहे हैं ठीक करने के लिए ना, ये वो जेसीबी वहीं जा रही है मलबा उठाने। ये मोड़ा भाई ने, खुल गया खुल गया। ये अब यहां से दौड़ शुरू होगी सबकी। ये देखिए यहां भी पत्थर आए भाई, है ना, वहां से मतलब ऊपर वाला कहाँ आ रहे हैं लोग, नीचे को तो आ रहे हैं। अच्छा, ये इतना ही था, हम पहले भी मुड़ सकते थे ना, आइडिया नहीं था ना, नहीं तो हम कब का मुड़ के आ जाते इधर। ये देखिए इधर आना था हमने। ये खूबसूरत नजारे भी देख लीजिए आप, नदी का विकराल रूप ये देखिए। ओह गॉड, ये देखिए साथियों, ये है खतरनाक रास्ता।
कितना मुश्किल रास्ता है। ये देखिए ये घर, नीचे नदी, पहाड़, बारिश। ये देखिए ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता बोलो, चोर रास्ता बोलो, जो भी बोलो, अभी हम उस रास्ते से गुजर रहे हैं। अब हो सकता आगे हमको मेन मिल जाए, मेन रास्ता मिल जाए, देखते कहाँ पे मिलता है, क्योंकि हम खुद भी पहली बार इसको इस सफ़र पे हैं, इस रास्ते पे हैं, और सबके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें खुद आइडिया नहीं है कि रास्ता किधर को जाएगा और कहाँ जाके खुलेगा, कितनी अच्छा ऊपर वो रास्ता है वो। ये देखिए वो देखिए जो ऊपर गाड़ी है ना वो जा रही है, वो मेन रास्ता है और ये एक रास्ता छोटा रास्ता आ गए सेफ रास्ते में, है ना। ये जो पुल ये है हमें कैसे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी मंजिल का हमें नहीं पता भाई। ये देखिए किसी कोई है भी नहीं जिससे हम पूछ लें कि जाना जा कहाँ रहे हैं। ये पुल है कोई। अच्छा साथियों, आप लोगों में से अगर किसी ने यहाँ पर इस तरह से सफर किया हो तो प्लीज इसकी पूरी डिटेल मुझे बता देना, ये रास्ता क्या है, कौन सी जगह है, ये सब बताना, क्योंकि हमें खुद आइडिया नहीं लग रहा इसका। क्या है, कौन सी जगह है, क्या पता ही नहीं, किससे पूछे। बढ़ते चले जा रहे हैं सबके साथ, सबके पीछे पीछे, और हमारे पीछे कई ऐसे होंगे। अच्छा हम दूसरों के पीछे हैं तो हमारे पीछे भी कई हैं ऐसे जिन्हें नहीं पता होगा कि जाना कहाँ जा कहाँ रहे हैं, लेकिन कहीं अच्छी जगह ही पहुँचेंगे, सेफ पहुँचेंगे। लेकिन सामने पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है, अगर दिखे आपको तो, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत है। घरों के बीच के रास्ते हैं, तो गांव की गलियां लग रही हैं। सुनो हम भटक तो नहीं गए हैं, पुल पे आ गए। मैं देखिए, अच्छा हाँ यहाँ गाड़ियां दिख रही हैं। साथियों जो हमारा सबसे मुश्किल सबसे कठिन सफ़र था, भगवान की दया से वो कंप्लीट हो गया है, वो हमने उसको क्रॉस कर लिया। अब हम लोग रास्ते से सेफ हैं, अब हमारा रास्ता जो है वो सुरक्षित है। ये देखिए आप भी देखिए, बारिश तो हो रही है लेकिन अब वो लैंडस्लाइडिंग वगैरह वगैरह का चक्कर नहीं है, जाम लगने वाला नहीं है, अभी ठीक है। ये देखिए कॉन्वाई भी जा रही है, ये देखें साथियों। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और आप बताइएगा वीडियो देख के आपको कैसा लगा, है ना बहुत खतरनाक रास्ता। थैंक यू।